हेलो एवरीवन टुडे इज नो क्लास नो 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 मनीष हेलो एवरीवन वेलकम टू द इंजीनियर सड्डा यूट्यूब चैनल मेरा नाम है अभिषेक कौशिक तो कैसे हो दोस्तों आप आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एक बार बता दो सबके सब की आवाज़ सही है क्या ऑडियो एंड वीडियो इज गुड वटावट हेलो पूजा मनीष प्रीति शर्मा गुड मॉर्निंग हेलो निशा यस प्रीति कल नहीं हुई थी स्टूडियो की प्रॉब्लम थी है ना आज होगा लेकिन हेलो अभी गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग सबको आवाज आ रही है एक बार बताओ सुप्रभात सर हेलो सुप्रभात प्रीति शर्मा गुड मॉर्निंग ऑल क्लियर सर जी को नमस्कार नमस्कार मनीष कैसे हो मेघनाथ इन द हाउस गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग ठीक है हेलो पोकेमोन लवर क्या हाल है दोस्तों सबके सब इंजीनियर्स सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज लाइक दिस सेशन गाइस और शेयर इट सबके सब एक बार शेयर करके आ जाओ जल्दी से फटाफट है ना तो आज का नया आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि होगा इनपुट एंड आउटपुट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आपके सिलेबस में भी है ये एमपी सब इंजीनियर्स के भी एसएससी वाले एसएससी वाली जेई वाले सिलेबस में भी है तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी भारत माता की जय सर पॉकी मोन लवर ठीक है एक बार फटाफट एक बार लाइक और शेयर करके आ जाओ गाइज मनीष दीपांशु पॉकी मोन लवर प्रीति शर्मा आर्यन हेलो रुपिंदर गुड मॉर्निंग ठीक है तो आज जो आपका स्टार्ट होने वाला है चैप्टर वो होगा इनपुट एंड आउटपुट ठीक है और आज थोड़ा सा आपको अलग से अटेंशन दिखानी होगी क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज थोड़ा सा अच्छा और मॉडरेट टॉपिक होने वाला है है ना तो इसको इसको अप्रोच समझेंगे कि इसकी अप्रोच कैसी होती है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ठीक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपको पता है क्लास ओ एन जी सी एस एस सी जेई एम पी सब इंजीनियर्स आर आरबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक सब्जेक्ट uh, है आपका रीजनिंग और टॉपिक होगा इनपुट एंड आउटपुट ठीक है इसके आज कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं हमारे <coughs> यहां भी हुई है प्रीति शर्मा हमारे यहां भी हुई है बारिश अरे मनीष नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा मनीष ठीक है अच्छा मैं अभी कर देता हूँ मनीष इसके बाद कैलेंडर स्टार्ट होगा ठीक है मनीष कुमार ठीक है इसके बाद कैलेंडर स्टार्ट होगा गाइज ठीक है सो मनीष कुमार इसी बात पे फटाफट एक बार सेशन को शेयर करके आ जाओ ठीक है अगर अभी तक आपने टू फोर सेवन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ये ये फीचर्स आपको मिलने वाले हैं ठीक है ठीक <coughs> है थैंक यू निशा थैंक यू ठीक है रोशिल पटेल ओ में आपका ट्वेंटी परसेंट नॉन टेक का पार्ट है है ना तो कोई स्पेसिफाई तो नहीं है बट मैक्सिमम मैथ्स और रीजनिंग से दिखने वाला है वो वहाँ ठीक है ना रोशिल पटेल यस मेघनाथ कह रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट ऑल द इंजीनियर्स सबके साथ एक बार सेशन को शेयर करके आओ हेलो इंदू गुड मॉर्निंग कैसे हो इंदू शर्मा ठीक <laughs> है तो आप ये फीचर्स देख सकते हो ये ये फीचर्स आपको ऐप आप में मिलने वाले हैं तो जस्ट जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कर लो ठीक है और अगर अभी तक आपने इंजीनियर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो राइट नाउ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना जिससे कि सारी विडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे ठीक है मैं अपनी बोल रहा था कि मैं भूल जाता हूं ओके 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 मनीष कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो पहला जो आपका स्टार्ट होने वाला आज का चैप्टर वो होगा इनपुट आउट आउटपुट इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक समझते हैं है ना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ आज ठीक है वो क्वेश्चन समझेंगे उनका अप्रोच जानेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में ये टैकल करना है टॉपिक ठीक है मैं अच्छा हूँ इंदू थैंक यू फॉर आस्किंग मी मैं अच्छा हूँ <coughs> लाइक like करती हूँ कभी क्लास नहीं लेती लाइव तो बाद में लाइक like कर देती हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्रीति थैंक यू सो मच ठीक है शेयर भी कर दिया करो प्रीति शर्मा शेयर भी कर दिया करो है ना तो इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चन जो होते हैं आपको क्या क्या दिया होता है कैसे आपको अप्रोच करना है ये आज जानेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ क्वेश्चन के साथ ठीक है तो इनपुट और आउटपुट में क्या होता है कि जैसे मशीन इनपुट होता है इसका पूरा नाम है मशीन इनपुट आउटपुट है ना यानी कि आपने कुछ इनपुट दिया कुछ बीच में प्रोसेस हुआ उसके बाद कुछ आउटपुट निकला यानी कि आपने यहाँ सपोज इनपुट दिया ठीक है यहाँ इनपुट दिया बीच में प्रोसेस हुआ यहाँ ठीक है और यहाँ आपका आउटपुट निकल गया है ना बेसिक डेफिनेशन तो आपकी यही है आपको अगर पता हो तो है ना इनपुट और आउटपुट में ठीक है ठीक है हेलो राधिका गुड मॉर्निंग थैंक यू मनीष थैंक यू सो मच ठीक है तो प्रोसेस जो है इनपुट यानी कि आपको कुछ दिया होगा पैटर्न है ना वो आपको पैटर्न पहचानना होगा उसके बेसिस पे कुछ स्टेप्स होंगे यानी कि प्रोसेस हुआ होगा उसके पास आउटपुट तु, आया होगा कुछ ठीक है ठीक है तो ये टोटल प्रोसेस होने वाला है तो आपको क्या देखना है कि इनपुट में कुछ पैटर्न फॉलो होगा जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न फॉलो किया था पैटर्न समझा था सीरीज में हमने देखा था पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो पैटर्न एक बार आपको रेक्टिफाई करना है पहचानना है जैसे आप पैटर्न को पहचान लेते हो वही पैटर्न सेम आपका क्वेश्चन में अप्लाई करना है ठीक है ना ठीक है गाइज चले आगे क्वेश्चन की तरफ चले बताइए ठीक है एक बार सबके सब सेशन सब को लाइक और शेयर करके आ जाओ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल सबसे रिक्वेस्ट इंजीनियर्स <coughs> यस यस ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्रोसेस मैंने बता दिया आपको क्या करना है पैटर्न को फॉलो करना है पैटर्न को पहचानना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके बेस पे आपको आंसर करना है ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है ठीक है ये रहा पहला क्वेश्चन इसके ऊपर जो है पांच क्वेश्चन आपके नीचे दिए हुए हैं वन टू फाइव तो एक बार ध्यान से डायरेक्शन पढ़नी है ठीक है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं देखो ये इनपुट दिख रहा होगा यहां ये आपको इनपुट दिख रहा होगा है ना दिस चैप्टर वुड गिव यू ए बेसिक कॉन्सेप्ट ये इनपुट है इसके बेसिस पे क्या है ये स्टेप दिए हुए वन टू थ्री फोर ठीक है One, two, three, ये यानी कि प्रोसेस है ठीक है ये जो इसमें फॉलो हुआ पैटर्न वही फॉलो आपका इसमें हुआ है जो कि ये क्वेश्चन नंबर वन है और इसके बेसिस पे आपको इसका आंसर करना है ठीक है समझ में आया प्रोसेस सबको समझ में आया प्रोसेस थैंक यू सो मच मैगनाथ फॉर द गुलाबी दिल थैंक यू सो मच ये प्रोसेस समझ में आया सबको एक बार बताओ कमेंट में जल्दी से आपको क्या करना है ये इनपुट दिया हुआ है ये इनपुट में आपको कुछ पैटर्न फॉलो हुआ होगा स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर में ठीक है यानी कि ये क्या है ये प्रोसेस हुआ है यहाँ ये जो प्रोसेस हुआ यही आपको पहचानना है क्या पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है वो अगर आप पैटर्न समझ जाते हो तो वही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करना है यानी कि क्वेश्चन नंबर में और फिर इसका आंसर करना है ऑफ द द फॉलोइंग विल बी स्टेप थर्ड फॉर द गिवन इनपुट ठीक है <laughs> ये थोड़ा सा मॉडरेट टॉपिक है थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा आपको अटेंशन ज्यादा देनी होगी है ना ये इजी नहीं है जैसा कि आपने सीरीज की थी या फिर कोडिंग uh, डिकोडिंग कर लिया है सोलोजिज्म कर लिया या फिर इनइवलिटी की थी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान इस पर देना पड़ेगा ठीक है ठीक है ये समझ में आया एक बार बताओ ये समझ में आया क्या कहा है मैंने अभी ठीक <coughs> है चलो एक बार पैटर्न पहचान लो बस मेरे को पैटर्न बता दो अगर आ जाता है तो डन लिख देना एक बार कमेंट में पैटर्न को पहचानो एक बार और उसके बाद डन लिख देना एक बार डायरेक्शन पढ़ो ध्यान से ठीक है डायरेक्शन क्या कहा गया है फिर उसके बाद नीचे देखो क्या कहा गया है नीचे ठीक है ठीक है दीपांशु ने आंसर भी कर दिया सी अरे पहले पैटर्न समझो दीपांशु इसका पैटर्न क्या चल रहा है इनपुट का जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ होगा ना वही पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है इस वाले इनपुट में ठीक है प्रीति शर्मा आंसर कर रही है सी सी मतलब वर्क डू अदर इमिटेट ये आंसर आया प्रीति आपका मेघनाथ करें डी देर विल बी नो थर्ड स्टेप ओके ओके गाइज और कुछ और अलग से बताइए तुक्केबाजी नहीं चलेगी हाँ हाँ इसमें तुक्केबाजी नहीं चलेगी मैंने सही कह रहे हो आप है ना ऐसे नहीं करना है सी डी ए बी एक बार मेरे को ये बताओ अगर ये स्टेप समझ में आ गए होंगे आपके पैटर्न समझ में आ गया तो डन लिख दो एक बार एक बार कमेंट में डन लिख दो कि हाँ सर पैटर्न समझ में आ गया क्या पैटर्न चल रहा है इसमें ठीक है <coughs> समझ नहीं आया यस yes, मेघनाथ ठीक है मैं समझाता हूँ एक बार सॉल्व करने दो सबको है ना जो जो सॉल्व कर रहा है एक बार सॉल्व करने दो हाँ मैं बता रहा हूँ पूजा मैं बता रहा हूँ रुक तो जाओ एक बार जो खुद से ट्राई करना चाहता है एक बार वो खुद से ट्राई करे है ना समझ नहीं आया सेकंड टू थर्ड लास्ट फोर ठीक है पूजा ठीक है ठीक है ठीक है अब ध्यान से देखो क्या हुआ है पहले डायरेक्शन पढ़नी है मैंने जैसे आपको बताया था ठीक है ना जिस जिसको नहीं समझ में आया ध्यान दो एक बार कि डायरेक्शन है आपके पास वन टू फाइव इन अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिव्स एन इनपुट ऑफ वर्ड्स रीअरेंज रूल्स सॉल इनपुट ठीक है दिस चैप्टर वुड गिव यू अ बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है तो इसने कहा कि कुछ इनपुट दिया है मशीन इनपुट में उसके बाद प्रोसेस हुआ है फिर जो आया है वो सॉल इनपुट ये आपको करना है ठीक है <coughs> अब ध्यान से देखो क्या हुआ है इनपुट आपका ये है दिस चैप्टर वुड गिव यू ए बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये इनपुट था मशीन इनपुट इसमें चेंज क्या हुआ है वो चेंज आपको पहचानना है यानी कि वो पैटर्न आपको पकड़ना है वो लॉजिक आपको पकड़ना है ठीक है लॉजिक देखो स्टेप नंबर वन में क्या हुआ बेसिक आया है पहले यहां क्या था दिस था लेकिन यहां बी आ गया यानी कि बेसिक कहां था देखो ये वाला बेसिक ये बेसिक यहां से उठ के यहां पे आ गया है है ठीक ठीक ये चेंज आया स्टेप नंबर में है आगे देखो दिस सेम रहा है चैप्टर भी सेम रहा है वुड भी सेम रहा है देखो गिव भी सेम रहा है यू आया फिर फिर कॉन्सेप्ट आया ठीक है स्टेप नंबर फर्स्ट में पता चला क्या हुआ है सिर्फ आपने क्या किया बेसिक को उठा के पहले पे रख दिया है बस इतना हुआ है

है ना दिस आना चाहिए था लेकिन क्या आया चैप्टर आया है तो उसने क्या किया इस चैप्टर को उठाया है और बेसिक के जस्ट पीछे रख दिया है। फिर दिस सेम 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 रहा 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 है फिर UH है फिर वुड गिव यू तो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में क्या किया पहले स्टेप में इसने बेसिक उठाया यहाँ से इनपुट से और यहाँ पे रखा दूसरे स्टेप में क्या किया स्टेप नंबर वन से चैप्टर उठाया फिर यहाँ रख दिया ठीक है जैसे स्टेप में अरेंज किया है सेम उसके अकॉर्डिंग ही करना है सर हाँ प्रीति इसको भी उसके अकॉर्डिंग करना है इसमें यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप थ्री तो इसका स्टेप थ्री क्या होने वाला है वो आपसे पूछा है क्लियर है ओके 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 दीपांशु ने बी आंसर किया ठीक है ये गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए बट ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है इनपुट आउटपुट तो आपको ये करना ही करना है ना आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो अभी सर सारे सारे सर चेक करने हैं निशा सब में एक बार ये देखना है कि क्या क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है है ना क्या लॉजिक क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको पता करना होगा अच्छा ऐसे करना था हाँ तो क्या हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट में पता चल गया आपने बेसिक को उठाया यहां से यहां रख दिया फिर दूसरे में चैप्टर को उठाया थर्ड स्टेप में देखो क्या हुआ है बेसिक सेम रहा है चैप्टर सेम रहा है फिर दिस आना चाहिए था लेकिन आया क्या है कॉन्सेप्ट आया क्या है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया इसने फिर दिस सेम रहा वुड सेम रहा है फिर गिव और यू सेम रहा है ठीक है स्टेप नंबर फोर में देखो क्या हुआ है बेसिक चैप्टर भी सेम रहा कॉन्सेप्ट भी सेम रहा दिसेन आया क्या है लॉजिक एंड आंसर क्वेश्चन यानी कि स्टेप नंबर फोर क्या है लास्ट स्टेप था आपका ओनली थ्री बोला है ना तो स्टेप थर्ड को देखेंगे आप प्रीति आप या तो इसमें पूछा कि स्टेप नंबर थ्री बताओ कौन सा होगा इस वाले क्वेश्चन का है ना तो या तो आप डायरेक्ट स्टेप थ्री पे अगर आप जंप कर पा रहे हो तो ठीक है वरना आप क्या करो जैसे इसमें लॉजिक फॉलो हुआ था सेम इसमें लॉजिक फॉलो करो ठीक है ये लॉजिक समझ में आया क्या हुआ इसमें स्टेप नंबर वन से फोर तक बताओ एक बार कमेंट में स्टेप नंबर वन से फोर तक क्या क्या हुआ इसमें एक बार बता सकता है कोई क्या चेंजेस आए हैं ये पहले बेसिक क्यों आया फिर चैप्टर क्यों आया फिर कॉन्सेप्ट क्यों आया क्या लॉजिक बनाए बताओ कोई प्रीति शर्मा मनीष दीपांशु <coughs> कोई समझ में आ रहा है क्या लॉजिक चल रहा है इसमें बताइए जल्दी यस yes, सर क्या लॉजिक है बताओ क्या लॉजिक चला है इसमें इसमें बेसिक पहले स्टेप में बेसिक क्यों को क्यों उठाया इसने ये पता चला आपको सेकंड <coughs> में ही सेटल हो जा रहा है ये बताइए गाइज की क्या लॉजिक इसने बेसिक क्यों क्यों उठाया स्टेप नंबर फर्स्ट में फिर सेकेंड स्टेप में चैप्टर क्यों क्यों उठाया इसने ये क्यों उठा रहा है ये ये पता चल रहा है आपको क्या पैटर्न या क्या लॉजिक फॉलो हुआ यही मेरे को जानना है आपसे बस एक बार पिछले के वर्ड आगे आ रहे हैं नहीं आशुतोष नहीं हाँ करेक्ट मनीष करेक्ट 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 है ना यही मैं सुनना चाह रहा था वेरी गुड मनीष बहुत बढ़िया तो पीछे के वर्ड नहीं आ रहे इसने क्या किया देखो मनीष ने करेक्ट आंसर किया, Alpha, किया coding, है 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 ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना तो क्या क्या होता है? सबसे पहले आता बी आता है ए के बाद बी तो पहले बी आया था तो इसने क्या देखा बी आपका यहाँ था बेसिक पहले आना चाहिए था बी तो बी इसने पहले यहाँ उठाया एक को अरेंज किया फिर जो सेम थे वो सेम रख दिए इसने फिर उसमें फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया ठीक है सेकंड वाले में क्या हुआ है देखो बेसिक तो सेम रहा बी के बाद क्या आना चाहिए क्या आना चाहिए था सी आना चाहिए था यानी कि चैप्टर चैप्टर को उठाया और सब सेम रख दिया इसने <coughs> अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट करेक्ट ओके सब स्टेप चेक करना होगा सर हाँ निशा वही मैं कह रहा था स्टेप आपको चेक करना है वही आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है ऐसा क्यों कर रहा है, है ना तो सबसे पहले मनीष को सब थैंक यू बोलो और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो बिकॉज उसने सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट किया है बहुत बढ़िया मनीष ओके सब स्टेप चेक करना होगा ठीक है ना पर क्वेश्चन में स्टेप तो दिए होंगे ना हाँ ये दिए होंगे क्वेश्चन से पहले ना ये बेसिक दिया होगा आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है तो इसमें ये फाइंड आउट करने होते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है इसमें ठीक है ना हाँ मनीष इसका आंसर करो बस फर्स्ट का क्या होगा फिर जब आपको लॉजिक पता ही चल गया है तो फर्स्ट का आंसर करो क्या होने वाला है कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष जी ठीक है तो सेकंड स्टेप में समझ में आया आप क्या क्या हुआ सेकंड स्टेप में बी के बाद फर्स्ट uh, में बी बेसिक आ गया बेसिक के बाद चैप्टर चैप्टर था तो सेकंड वाले में चैप्टर को कर दिया बी सी उसके बाद चैप्टर के बाद सी ओ आना चाहिए था क्योंकि सी एच आ चुका है है ना सो सी एच और सीओ में से सबसे पहले कौन आता है सी एच आता है फिर सीओ यानी कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रैक्टिकल order according <coughs> to dictionary. आशुतोष वोविल्स अरेन्ज नहीं हो रहे हैं <coughs> आशुतोष वोविल्स अरेन्ज नहीं हुए हैं है ना

हाँ दीपांशु अगर सेकंड वाले में फुल uh, हो जा रहा है तो आपके पास ऑप्शन है ना देर विल बी नो थर्ड स्टेप ठीक है ना समझ में आ रहा है सबको बताओ एक बार कमेंट में क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट है ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे को बताते रहना आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है अब देखो ध्यान से यहाँ इनपुट आपके पास था क्वेश्चन में डू नॉट इमिटेट अदर वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप थ्री ऑफ द अरेंजमेंट ठीक है ये इनपुट है तो इसमें स्टेप 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 में 1 में में नंबर नंबर बताओ क्या होगा 1 में कौन सा आने वाला है डी आने वाला है सबसे पहले क्योंकि और तो है तो है नहीं डी वाला ऑलरेडी ऑलरेडी अरेंज है तो डी तो अरेंज है पहले से ही है ना तो डी को तो डी को तो करने की जरूरत नहीं डी के बाद क्या आएगा देखो आई आएगा तो डी आपके पास ऑलरेडी अरेंज है उसके बाद आपका आई आ जाएगा ठीक है आई एम और सब बाकी सेम रहेंगे ठीक है स्टेप टू में क्या होगा डी आपका आ जाएगा डी ओ आई एम आ जाएगा आईएम के बाद में क्या होगा देखो आई एम के बाद में नोट अरेंज हो जाएगा ठीक है नो no अरेंज हो जाएगा फिर स्टेप नंबर थ्री देखो क्या होगा डी ओ एन ओ नो हो गया फिर अदर्स और वर्क्स तो ओ आएगा ओ के बाद में वर्क्स आएगा तो देखो स्टेप नंबर टू में ही क्या हुआ नो no के बाद आपका क्या था नोट के बाद नोट के बाद अदर्स और उसके बाद वर्क तो सेकंड वाले में ही क्या हो गया है पूरा का पूरा अरेंज हो चुका है ठीक है मैंने पहले ही डी बोला था बट वो तुक्का मार रहे थे आप मेघनाथ है ना <coughs> मनीष आंसर की मनीष कुमार भाई तुक्का वर्ड्स वर्क्स मेरे भाई पर्ची दे दो ठीक है ये सबके समझ में आया बताओ ये थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो आंसर बन जाएगा इसका देयर विल बी दो नो स्टेप कोई तीसरा स्टेप नहीं होगा सिर्फ दो स्टेप में ही आपका पूरा का पूरा अरेंज हो जाएगा ठीक है मेघनाथ की किस्मत साथ दे गई है आज गुड मॉर्निंग क्षमा पांडे है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है ठीक है थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है बताइए इसमें सेकंड का आंसर कितना आएगा आपको ये बताना है यह है इनपुट वही सेम लॉजिक फाइंड आउट होगा जो अभी आपने लॉजिक पकड़ा था अल्फाबेटिकल okay. ऑर्डर पहला स्टेप में जो सबसे पहले आएगा ए बी सी डी में वो आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिर दूसरे स्टेप में दूसरा वाला फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे ऐसे अरेंज करना है ठीक है तो आपको सेकंड का आंसर करना है कि वो बताओ सेकंड का आंसर कितना आ रहा है इनपुट आपके पास दिया हुआ है एड्यूकेट सेफ्टी अरेंजमेंट आर मस्ट फॉर किड्स फॉलोइंग गिवन इनपुट सेकेंड लास्ट स्टेप जो सबसे लास्ट है उससे पहले वाला आपको बताना है कि कौन सा इसमें से होने वाला है ठीक है अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए हिंट दे देता हूं आपको करना कैसे है देखो हिंट क्या है देखो हिंट है आपके लिए कि आपको जैसे एडवोकेट सेफ्टी अरेंजमेंट आर मस्ट फोर ये आप कॉपी में लिखोगे तो आपको क्या है एडवोकेट को पूरा नहीं लिखना ए डी लिख देना जिससे कि आपको आपको पता चल जाएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड ही चेक करना होता है बस है ना तो फर्स्ट दो वर्ड लिख लेना सबके जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पहले आने वाला है कौन से बाद में आने वाला है ठीक है <coughs> क्लियर है ना ये ये बताओ पहले सबको समझ में आ रहा है इनपुट आउटपुट कैसे सोल्व करना है ठीक है समझ में आ रहा है एक बार बताओ कमेंट में जल्दी से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा टॉपिक है तो थोड़ा सा मेरे को बताते चलो एक बार निशा का आंसर भी आ चुका बी अच्छा चलो देखते हैं निशा मेघनाथ ए कह है रहे हैं सेकंड लास्ट स्टेप ढूंढना है निशा ठीक है ध्यान रखना मेघनाथ सेकेंड लास्ट यानी कि जो सबसे लास्ट होगा उससे पहले वाला एक सेकेंड लास्ट स्टेप ठीक है इंदु शर्मा का डी आ रहा है इंदु डी डी तो वैसे ही नहीं होगा देखो ए के बाद एस आ चुका है यहां है ना इंदू कह रही सी ओके इंदु सी देखो आ गया, यहाँ एस आ गया तो अगर अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग होता तो एस तो सबसे लास्ट में रहता ना सबसे लास्ट के आसपास पास यहाँ कुछ रहता है ना तो ऑप्शन से भी जा सकते हो ना इसमें आप ऑप्शन से भी जा सकते हो मेघनाथ ए कह रहे हैं वेरी गुड मेघनाथ बहुत बढ़िया है ना इंदू सी कह रही है निशा बी कह रहे हैं आर्यन बी प्रीति ए ए स्टेप कहाँ है अरे दीपांशु स्टेप वही है जो पीछे आपने यूज किए थे ना जो स्टेप्स आपने यूज किए थे वही पैटर्न इसमें फॉलो करना है मैंने बताया तो है ठीक है ना मैंने बताया जो आपने स्टेप्स पीछे यूज किए हैं वही पैटर्न इसमें फॉलो होना है एडुकेट सेफ्टी अरेंजमेंट आर मस्ट फॉर किड्स कन्फ्यूज हूँ सर आप बताइए हाँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मनीष आशुतोष मैं बता रहा हूँ लॉजिक वही फॉलो होना है आशुतो आशुतोष जो आपका पहले फॉलो हुआ है स्टेप नंबर जो आपने क्वेश्चन किया था है ना ये वाला जो क्वेश्चन किया था ना इसमें जो जो स्टेप्स फॉलो हुए थे ना जो जो अरेंजमेंट यूज हुआ था जो लॉजिक फाइंड आउट हुआ था वही लॉजिक आपको इसमें अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन में सेकंड लास्ट ए आ रहा है ओके okay, दीपांशु चलो देखते हैं ठीक है चलो देखते हैं गाइस देखो एडवकेट देखो क्या होगा स्टेप नंबर हमें क्या देखना लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप देखना है ठीक है तो इसमें देखो सबसे पहले कौन अरेंज होगा बताओ सबसे पहले कौन अरेंज होगा एडवोकेट होगा एडवोकेट ऑलरेडी अरेन्ज है इसमें ए डी तो, okay, तो अरेंज ही है पहले से ही ठीक है उसके बाद में क्या होगा ए डी के बाद में ए आर आएगा ए आर ई बी है ए आर ए बी है ठीक है तो अरेंजमेंट हो जाएगा पहले ए आर ए डबल आर ए ये हो जाएगा और सब सेम रहेंगे फिर और सब सेम रहेंगे ठीक है स्टेप टू में क्या होगा देखो ए डी तो आ ही गया ठीक है उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में क्या होगा ए आर अरेंज एक सेकेंड का इस यहाँ डबल आर आ रहा है, है ना ये डबल आर आ रहा है तो इसमें ए आर ई हो जाएगा न यहाँ ए डबल आर ए डी हो गया ए आर ई हो गया फिर इसमें जाना चाहिए आपका अरेंजमेंट यानी कि ए डबल आर ए एन और सब सेम रहेंगे ठीक है तीसरा स्टेप देखो क्या होगा तीसरा स्टेप आर आएगा सर हाँ हाँ, हाँ आर एन आर आएगा ठीक है ये आ जाएगा ए AD डी वाला एडवकेट ये आर आ जाएगा फिर यहां अरेंजमेंट हो जाएगा ठीक है देखो क्या हो गया एडवोकेट आ चुका अरेंजमेंट आ चुका आर आ चुका फिर उसके बाद क्या जाना चाहिए अरेंजमेंट के बाद एफ ओ आर बन रहा है फोर फोर आ जाएगा यहां पे ठीक है फिर फोर्थ वाले में क्या होगा देखो यहां तक सेम आएगा फोर फोर तक सेम आएगा फोर के बाद में देखो क्या आएगा फोर भी हो चुका उसके बाद एफ के बाद में क्या जाना चाहिए एस आना चाहिए नहीं एम आना चाहिए एफ के बाद में के के एल एम के एल एम यानी कि किड्स आ जाएगा के आई डी एस किड्स वाला इसमें आ जाएगा ये सब सेम रहेंगे फोर तक किड्स तक भी सेम रहेगा ठीक है किड्स के बाद में क्या होगा देखो किड्स के बाद में आपका क्या आ जाएगा देखो किड्स के बाद में आ जाएगा आपका के एल एम एम यानी कि मस्ट वाला आ जाएगा एम एमबिक्स हो गया फिर सिक्स वाले में क्या होगा देखो सिक्स वाले में एम तक तो, तो आएगा ही आएगा और फिर लास्ट में जो एक बचा है सेफ्टी वो आ जाएगा एस सबसे लास्ट में जाएगा ठीक है एस सबसे लास्ट में जाएगा हाँ आर्यन सही है सही है सही है सही है ठीक है ये पूरा का पूरा आपने ये इस तरह से बना सकते हो आप है ना पूरा एक एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको है ना ये थोड़ा सा आप ध्यान से रखना एक एक वर्ड लिखोगे तो फिर तो ये हो गया है ना क्वेश्चन फिर नहीं होगा ये ठीक है अब इसमें देखो क्या था आपको सेकंड वाले में बताना सेकंड लास्ट स्टेप आपको बताना है सेकंड लास्ट कौन सा होगा सबसे लास्ट तो ये सिक्स वाला होगा उससे सेकंड लास्ट कौन सा होगा ये होना यानी कि आपको क्या देखना है कि एडवोकेट आर अरेंजमेंट तो आएगा ही आएगा उसके बाद फोर आएगा फोर के बाद में क्या होगा किड्स होगा उसके बाद किड्स के बाद में क्या होगा किड्स के बाद में क्या होगा देखो यहाँ सबसे जो पहले आएगा सबसे लास्ट वाला जो बनना चाहिए एम बनना चाहिए यानी कि मस्ट आएगा क्योंकि सेफ्टी आपने बाद में अरेंज किया है है ना मस्ट के बाद में सेफ्टी हुआ है यहां, लेकिन सबसे लास्ट क्या बनेगा एम बनने वाला है दैट इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर एडवोकेट आर अरेंजमेंट फॉर किड्स सेफ्टी मस्ट ठीक है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बताओ सबको समझ में आ रहा है ना कैसे सोल्व करना है कैसे सोल्व करना है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फोर थर्ड का आंसर भी कर दिया लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने इनपुट है आपके पास मार्कस बारूचरी गिव्स एन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द अबाउट इनपुट तो कितने आपको वो चाहिए क्या नाम स्टेप्स uh, चाहिए इसको पूरा अरेंज करने के लिए ठीक है तो कैसे करेंगे देखो स्टेप नंबर वन हो जाएगा सबसे पहले कौन जाएगा देखो बी आएगा बी से पहले तो कोई है नहीं तो बी आ जाएगा और सब सेम रहेंगे स्टेप टू में बी आएगा या आएगा उसके बाद में क्या जाएगा आपका ये हो चुका तो आई आ जाएगा आई आ जाएगा और आई में भी आई एन ए आई एन ए वाला आएगा ठीक है फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा बी आ जाएगा आई एन ए आ जाएगा और ये आ जाएगा इंफॉर्मेशन आई एन एफ ठीक है फोर्थ वाले में क्या होगा बी आ जाएगा आई एन ए आ जाएगा आई एन एफ हो जाएगा सेम ठीक है उसके बाद आपका बचा क्या है मार्कस के एल एम एन ओ पी क्यू आर एम आ जाएगा यहाँ एम के बाद में जो गिव्स बचाए ऑटोमेटिकली इसके बाद में ही आने वाला है तो ये अरेंज हो जाएगा तो कितने स्टेप चाहिए इसके लिए चार स्टेप मेरे को चाहिए मेरे को चार स्टेप इसमें चाहिए <coughs> इस इनक्यूरेट इंफॉर्मेशन मार्कस रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं सर <laughs> पावर ग्रिड ठीक है ये समझ में आया मेरे को चार स्टेप चाहिए इसका पूरा करने के लिए क्लियर है यहाँ तक सबको बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से क्लियर है सभी को यहाँ तक क्या हुआ है लॉजिक है ना आगे बढ़े चलिए बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करें फटाफट क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करिए फटाफट लॉजिक आपका वही फॉलो हो रहा है जो आपने स्टार्टिंग में पहचाना था ठीक है ना लॉजिक वही फॉलो हो रहा है ठीक है क्लियर सर ठीक है मनीष इसका आंसर करो फोर्थ का और फिफ्थ का इनपुट आउट आपके सामने चेंज हो गया लेकिन आपको पैटर्न जो आपने फाइंड आउट किया था शुरुआत में है ना वो सबके लिए सेम है बिकॉज वो पांच क्वेश्चन के लिए फॉलो हो रहा था तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द अबाउट इनपुट अब आपको देखना है लास्ट स्टेप कौन सा होगा बस आप ध्यान क्या रखना अप्रोच क्या है कि एक एक वर्ड नहीं लिखना है ऐसे जैसे मैंने लिखा था ना एम आई ई तो एक एक दो दो वर्ड लिख लो तब अरेंज करो फटाफट <coughs> बी के बाद जी लगाना सर क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहे हो एक सेकेंड रुको। uh, बी के बाद जी लगाना सर ई एफ जी डी एफ एफ जी हाँ जी भूल गए हैं सॉरी 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 गि एच आई जे ई एफ जी एफ जी तो पहले जी आएगा ना यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गिफ्स ठीक है रणबीर पॉल करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है रणबीर पॉल फोर्थ का आंसर कितना है डी कैन नोट इवन फ्री इंडिया लीडर्स मोस्ट विजुअलाइज का डी 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 सबका सेम आ रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस ठीक है तो लास्ट स्टेप इसमें देखना था आपको है ना आसान क्वेश्चन है देखो क्या आ जाएगा पहले देखो एम आई लीडर कैन नॉट इवन विजुअलाइज फ्री इंडिया तो पहले क्या आ जाएगा कैन नॉट कैन नोट ए ही साथ है है ना देख पा रहे होंगे आप कैन नोट एक ही साथ है ऑटो <coughs> अरेंज करेक्ट 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 तो कैन नोट जो है जो क्या होगा आपका ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा है ना लास्ट स्टेप आपको बताना था तो पहले पे तो कैन नोट ही आ जाएगा एक साथ ही ठीक है और सब सेम रहेंगे और सब मोस्ट स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा सेम रहेगा दूसरे स्टेप में कैन नोट तो आएगा ही आएगा फिर दूसरे स्टेप में क्या जाएगा अब देखो सी के बाद में क्या क्या हो सकता है ई e आ सकता है बिल्कुल आ सकता है है e, ई हो जाएगा ठीक और सब सेम रहेंगे ठीक है थर्ड वाले में कैन नोट आपका सेम ही रहेगा इवन भी हो चुका है इवन भी आ जाएगा उसके बाद में देखो इवन के बाद में क्या जाना चाहिए ई e, एफ आना चाहिए एफ यानी कि फ्री हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा फ्री वाला आ जाएगा फिर फोर्थ वाले में देखो कैन इवन फ्री सेम रहेगा फ्री के बाद में क्या होना चाहिए मतलब इंडिया इंडिया आ जाएगा और सब सेम रहेंगे फिफ्थ वाले में देखो इंडिया तक सेम ही रहेगा आगे देखो इंडिया हो चुका इंडिया के बाद में क्या होगा इंडियन भी है आपके पास एक तो इंडियन वाला लगा सकते हो आप है ना तो इंडियन आ जाएगा यहाँ पे और सब सेम रहेंगे सिक्स वाले में यहाँ तक सेम रहेगा इंडियन तक फिर और क्या बनेगा देखो इंडियन के बाद आई जी एच के एल क्यू आर एस तो एल एल आ जाएगा के एल हाँ तो एल वाला लीडर हो जाएगा और सब सेम रहेंगे ठीक है फिफ्थ डी लग रहा है सर कुछ मिल ही नहीं रहा क्या नहीं मिल रहा दीपांशु क्या नहीं मिल रहा एक चेक, देखते हैं चलो फिर कैन नॉट भी तो हो सकता है ना दीपांचू डी भी तो ऑप्शन दिया हुआ है मैंने ये भी तो हो सकता है फिर ठीक है इसमें कितने स्टेप आए थे फोर्थ नंबर वाले में बताओ टोटल स्टेप कितने हुए थे लीडर आपका पास आ चुका है, है ना लीडर के बाद आपका पास जाने वाला है क्या मोस्ट और विजुअलाइज बचा है बस और तो कुछ नहीं बचा तो मोस्ट आ जाएगा यहाँ पे टोटल कितने स्टेप आए थे फोर्थ नंबर में बताइए यहाँ आपका विजुअलाइज आ जाएगा क्वेश्चन फाइव में स्टेप फोर दिया है घंघुर गलत स्टेप है ओके महनाथ चेक करते हैं है ना इसमें टोटल कितने स्टेप आए थे आपके बताइए फोर्थ वाले में कितने स्टेप आए थे टोटल ये बताइए आप तो ये तो पता चल गया कि लास्ट स्टेप कौन सा है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर कैन नॉट इवन फ्री कैन नॉट इवन फ्री इंडिया इंडियंस लीडर्स मोस्ट विजुअलाइज ठीक है करेक्ट है बात यहां तक ठीक है टोटल कितने स्टेप्स आए थे इसमें आठ स्टेप आगे होंगे मेघनाथ बताइए प्रीति इंदु पूजा मनीष ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो क्या है स्टेप फाइव जो है आपका स्टेप फोर जो है आपका स्टेप फोर दिया हुआ इट इज फिगर एंटी स्टेब्लिशमेंट फ्रॉम मीडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट ऑफ द अब मैं स्टेप तो आपको क्या है इनपुट बताना है यानी कि ऊपर की साइड जाना है अब आपको ठीक है आउट नहीं किए सर ऑप्शन देख के पता चल गया था लास्ट स्टेप वेरी गुड मेघनाथ ठीक है ऑप्शन भी ये स्टेप भी देख लिया करो क्या पता अगला क्वेश्चन स्टेप का ही होता तो है ना मेघनाथ अगला क्वेश्चन अगर स्टेप का होता कि हाउ मेनी आर इन द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर में कितने स्टेप्स यूज हुए फिर आप दोबारा क्या सॉल्व करते फिर ठीक है ना करेक्ट है यहाँ तक करेक्ट है अब देखो क्या है स्टेप नंबर फोर इट इज फिगर एंटी स्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द मीडिया विच ऑफ फॉलोइंग इनपुट ऑफ द अबाउट स्टेप्स मेंशन uh, स्टेप अब देखो के हेल्प से चले जाओ आप क्यों क्योंकि आपको क्या देखना है इनपुट आपको पहचानना है इनपुट मतलब ऊपर की साइड आपको जाना है आपको क्या करना है ऊपर की साइड आपको जाना है ठीक है अब देखो क्या इट इज फिगर से हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि आई से स्टार्ट हो गया फिगर है ए बी है एंटी स्टेब्लिशमेंट था तो ये तो गलत हो जाएगा ठीक है ये तो गलत हो जाएगा अगला देखो मीडिया इट इज एंटी मीडिया इट इज फिगर फ्रॉम एंटी स्टेब्लिशमेंट क्योंकि यहां फिगर में देखो क्या है स्टेप नंबर फोर में आपका इट से स्टार्ट हो रहा है इट इज फिगर एंटी स्टेब्लिशमेंट फ्रॉम मीडिया है ना सो so, यहां ये कह रहा है कि मीडिया इट इज इट इज फिगर फ्रॉम एंटीबेंट नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो इट इज एंटी स्ट्लमेंट मीडिया फ्रॉम ये भी नहीं हो सकता तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन ये आपके चार चार पांच क्वेश्चन इसमें है ठीक है तो जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है एक बार लॉजिक फाइंड आउट करते हैं पहले तभी आपका इसमें आप कुछ कर पाओगे एक बार लॉजिक फाइंड आउट करते हैं तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे तो लॉजिक फाइंड आउट करिए सब्सक्राइब yes, like, एक बार फटाफट शेयर करके आ जाओ आपको दिख रहेगी दस से लेके छ से लेके दस तक आपके पास स्टेप्स दिए हुए हैं ये तो इसमें ये आपको एक बार पहचानना है कि क्या क्या इसमें फॉलो हुआ है ठीक है मैं आपको वो बता देता हूँ लॉजिक कैसे फाइंड आउट करेंगे पर इसके पीछे क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं फिर ठीक है मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे ठीक है इन मशीन एन इनपुट ऑफ वर्ड्स वर्ड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड दिस इसमें देखो भी हैं और साथ साथ नंबर्स भी हैं ठीक है दोनों चीज इसमें है वर्ड्स भी है और साथ साथ नंबर्स भी हैं है, है है. तो स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो क्या हुआ है स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो क्या हुआ है कैरी हुआ है कैरी हुआ है कैरी फर्स्ट लेटर फर्स्ट नंबर इंक्रीजिंग कॉर्ड इंक्रीजिंगेक्ट दिपानशू स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो क्या हुआ है ट्रक था यहाँ तो ट्रक तो नहीं आया कैरी को उठाया इसने कैरी को उठा के यहाँ पे रख दिया है और सब सेम रहा है क्या देखो ट्रक सेम रहा है फोर्टी नाइन छत्तीस मैसेव पच्चीस लोड और सिक्सटीन स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या किया है कैरी को उठाया है सी को यहां लिख दिया पहले पे दूसरे स्टेप में देखो क्या हुआ है कैरी तो सेम रहा है जो उठाया था हमने फिर सोलह को उठाया इसने यानी कि सिक्सटीन को उठाया फिर यहाँ लिख दिया और सब कुछ चेंज हुआ है कि देखो नहीं ट्रक सेम रहा फोर्टी नाइन छत्तीस मैसेव पच्चीस लोड तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेप में आपका स्टेप नंबर फर्स्ट में आपका अल्फाबेट अल्फाबेट ऑर्डर हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुआ है सेकेंड स्टेप में मैं आपका नंबर अरेंज हुआ है और नंबर किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ठीक है ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ठीक है, करेक्ट है करेक्ट है ये सबको समझ में आया ठीक है स्टेप नंबर वन में अल्फाबेटिकली इंक्रीज हुआ है सेकेंड में नंबर इंक्रीज हुआ है ठीक है तो बस वही आप देखते चले दे दे हो क्या अगले स्टेप में भी यही हुआ है कि देखो कैरी सेम रहा सिक्सटीन तक यहां तक तो अरेंज तो हो चुका था ठीक है इसके बाद में देखो आपको अरेंज क्या करना था तीसरे वाले में अल्फाबेट अरेंज करना था तो एल आना चाहिए लॉर्ड लोड को उठाया यहाँ यहाँ रख दिया और सब सेम रहा है ट्रक सेम रहा 49 36 मैसिव और 25 ठीक है सब सेम रहे हैं ठीक है सब सेम रहे हैं ठीक है फोर्थ वाले में क्या होगा फिर फोर्थ वाले में आपको लोड तक तो था ही फिर 25 को उठाया क्योंकि 16 अरेंज हो चुका था फिर आपका ट्रक आया 49 और सब सेम रहा है फिर स्टेप नंबर फाइव में फिर आप अल्फ़ाबेट को अरेंज करोगे फिर सिक्स में फिर नंबर को और सेवेंथ में जो होगा सेवेंथ है ये ये सेवेंथ नंबर था है ना इज द लास्ट स्टेप फॉर द अबाउ मेंशन स्टेप अच्छा ये लास्ट ही था क्या एक सेकेंड तो ठीक है तो ये फिफ्थ और सिक्स सिक्स वाला जो था लास्ट स्टेप था इसमें सब अरेंज हो चुके हैं ठीक है ठीक है सिक्स वाला आपका क्या था लास्ट स्टेप था आपको क्या करना है सिक्स वाले क्वेश्चन को आपको जो इसमें लॉजिक फाइंड आउट हुआ है वही आपको इसमें लॉजिक फाइंड आउट करना है इज फोर मटेरियल थर्टी सिक्स टेस्ट सिक्सटीन पैकड सिक्सटी फोर ठीक बात है ठीक बात है तो मैं अभी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं तो एक तो आपको इसको होमवर्क में आपको मैंशन करना आप है क्या आपका आंसर है ठीक है ये दो क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में अरेंज करने हैं ठीक है लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है पहले स्टेप में दूसरे तीसरे में वही लॉजिक आपको इनमें लगा के आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में ठीक है सो थैंक यू फॉर हैविंग मी बाय बाय टेक केयर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा कुछ नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है तो आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा है ना अप्रोच आप जान लीजिए कि अप्रोच कैसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को उसी अप्रोच से आप एग्जाम में भी सोल्व करने वाले हो ठीक है आई होप इस आपको आज जो नया चैप्टर है आप नए सेशन में आपको मजा आया होगा ठीक है चलिए मिलते हैं फिर टू पी पे यानी कि मैथ्स की क्लास में आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैथ्स में भी जो हो आपका टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस होगा टी टी ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद